प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामघाट में जलेगा सबसे बड़ा राम ज्योति दीपक। अयोध्या का सबसे बड़ा दीपक बनकर हुआ तैयार। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जलेगा सबसे बड़ा दीपक। 308 फीट का बना दीपक रामघाट स्थित तुलसीबाड़ी के प्रांगण में 10,000 लीटर तेल डालकर कल शाम से जलेगा। राम ज्योति ये दीपक सभी तीर्थ स्थल समुद्र का जल व देशी घी मिट्टी से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें करोड़ों की लागत लगी है। मिट्टी से बना है, इसमें सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों की मिट्टी, सातों समुद्रों का जल, देसी गाय का घी, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, कृष्णा, कावेरी, सरयू का जल सम्मिलित है। और 500 जो इसके विशेषज्ञ कारीगरों के द्वारा इसका रूप दिया गया है। एक साल से जो है तो सब सामग्री ले आई जा रही है। 7.5 करोड़ की लागत से यह तैयार किया गया दीपक का नाम मैंने रखा है दशरथ दीपक, जो 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से प्रज्वलित होगा। कुछ ही घंटे बाकी हैं। आज नेपाल सीता माता के मायके से भी जो है 108 टीन तेल का सहयोग आ गया है। वहाँ से 10,000 टीन तेल आ रहा था, हमारे पास फ़ोन आया, हमने मना किया, हमने कहा नहीं, इतना सहयोग हम नहीं लेंगे। हमने कहा सिर्फ आप एक टीन दे सकते हैं, क्योंकि माता जानकी के मायके से आ रहा है। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 108 टीन हम ले आ रहे हैं, तो हम कहा चलो। तो देश के कोने कोने से अब सहयोगियों उमड़ पड़े हैं। हर जो है तो राम भक्त चाहता है कि राम नगरी राम घाट की जो राम ज्योति जल रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिया है, इसमें सब कोई सहयोग करना चाहते हैं। तो ये अद्भुत है। और जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो, राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। बिना दिया की दिवाली तो हो नहीं सकती, और राम मंदिर की दिवाली है तो सबसे बड़ा दिया होना चाहिए। हमने कहा दुनिया का सबसे बड़ा दिया बनना चाहिए, उसके लिए 300 फीट का ये दिया तैयार कराया गया है, और जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम नगरी का राम घाट मोहल्ला है। आज भी लिखा पड़ी में राम घाट है, पहले यही सरजू जी बाती थी, जहां राम जी नहाते थे, राम जी खेलते थे, राम जी की स्मृतियों से भरी हुई जगह है। तो राम नगरी राम घाट की जो राम ज्योति है, ये राम जी के आदर्शों को जन जन तक जो है पहुँचाएगी। इसका जो प्रकाश होगा, ये मानवता का प्रकाश पूरे विश्व में जो है फैलेगा। और फिर से मेरा मानना है कि एक बार रामराज जो है त्रेता युग में आया था, दूसरी बार रामराज 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आ रहा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।